हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, करवा चौथ आने वाला है, जो सभी महिलाएं करवा चौथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं क्योंकि उन्हें करवा चौथ का जो व्रत होता है बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो ज़्यादातर महिलाओं ने शॉपिंग भी शुरू कर दी होगी, कुछ महिलाओं ने शॉपिंग पूरी कर भी ली होगी और कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे कि हमें इस बार करवा पर किस तरह से तैयार होना है, किस तरह का मेकअप करना है। फ्रेंड, तो करवा चौथ का जो व्रत है वो सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। सभी सुहागिन महिलाएं या कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत बहुत ही खुशी से रहती हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरी तरफ़ से, हमारे फैमिली फंडा सॉल्यूशन की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का करवा चौथ बहुत ही अच्छे से बीते, आपकी सारी विशेष पूरी हो रहे। फ्रेंड, आज का हमारा जो वीडियो इस टॉपिक पर है कि बहुत सारी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत रहती हैं या रहना चाहती हैं पर वह किसी वीकनेस के कारण नहीं रह पाती हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपना करवा चौथ का व्रत बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी अभी भी डिलीवरी हुई है या बहुत सारी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके छोटे बच्चे हैं जो कि स्तनपान करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कि अभी भी बीमारी से उठी हैं और उनके जो शरीर में है बहुत ज़्यादा कमजोरी है पर उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं करवा चौथ का व्रत ठीक से रह पाएंगी या नहीं, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहती इस व्रत को, मैं इस व्रत को रहना चाहती हूँ। और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका भूखे रहने पर उनका ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी लो हो जाता है, तो उन सभी महिलाओं के लिए आज का ये वीडियो है। मैं छोटे से कुछ खास टिप्स दूंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए जिससे आप इस करवा चौथ के व्रत को बहुत ही आसानी से रह पाएंगे और आपको भूख प्यास जो है नहीं लगेगी, आपके शरीर में कमजोरी नहीं होगी, आपको चक्कर नहीं आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो भी कुछ हद तक तो आपका ये व्रत अच्छे से ही जाएगा। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक घंटी का बेल आएगा, उसे ज़रूर दबा दें, इससे आपको हमारे सभी नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो इसे बहुत सारा लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर चलिए जानते हैं कि आपको करवा चौथ के व्रत के पहले ऐसा क्या उपाय करना है जिससे आपका जो करवा चौथ का व्रत है बहुत ही अच्छे से जाए। लोगों के यहाँ ऐसी परंपरा है कि वह करवा चौथ का जो व्रत होता है उसके सुबह उठकर मैं सरगी खाते हैं, पर बहुत जगहों पर सरगी खाने का जो परंपरा है वो भी नहीं है। इससे उनके शरीर में और भी ज़्यादा कमजोरी आती है और चंद्रोदय होते होते हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो करवा चौथ के पहले अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो व्रत है बहुत ही अच्छे से जाएगा। जिन्हें प्रॉब्लम होती है या जिन्हें नहीं होती उन सभी इस टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं वो टिप्स जो आपको करने हैं। फ्रेंड, जैसे आपको कल करवा चौथ का व्रत रहना है तो आज रात में आप जब भी खाना खाते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा लेट से खाना खाते हैं, आप 10 बजे या 11 बजे खाते हैं, तो कोशिश करें कि आप थोड़ा पहले खाना खा लें, 8 बजे या 9 बजे आप रात का खाना खा लें। उसके बाद आप खाना खाने के आधे घंटे बाद सोने से पहले आप जितना भरपेट खा सकें उतना भरपेट आप फ्रूट खा लें, यानी कि फ्रूट में ज़्यादातर आपको सेब और केला को अहमियत देना है। सेब और केला आप जितना ज़्यादा ज़्यादा खा सकें, अगर सेब भी नहीं आता आप सिर्फ केला खा सकते हैं तो आप केला खा लीजिए। केले में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही केला हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है, इससे हमें प्यास बहुत कम लगती है। इसके अलावा केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर पाया जाता है। सेब में भी प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि हमारी भूख को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप सेब भी खा सकते हैं लेकिन केला खाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि इसको खाने से आपको दूसरे दिन बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। फ्रूट आपको भरपेट खाना है, ज़्यादा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इतना ज़्यादा खा लें कि आपका पेट ख़राब हो जाए। आप इजीली जितना डाइजेस्ट कर सकें उतना फ्रूट आपको खाना है। फ्रूट को खाने के बाद आप प्यास लगती है तो आप आधे या एक घंटे बाद जितना पी सके उतना ज़्यादा आप पानी पी लीजिए। इससे आपका दूसरे दिन का जो व्रत है बहुत ही अच्छे से जाएगा और बिना भूख प्यास के आप बहुत ही खुशी खुशी अपना व्रत पूरा करेंगे। इससे आपकी जो पूजा है उस पर आपका पूरा फोकस रहेगा और आपका व्रत बहुत ही अच्छे से परिपूर्ण होगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और बहुत सारा शेयर करें ताकि बहुत सारी सहेलियों को, बहुत सारी महिलाओं को इससे मदद मिल सके। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आपको कोई सवाल या सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो घंटे का निशान आएगा फ्रेंड उसे ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।